कुल पुत्रे दिव्य पुरुषा रूपति अल्लाह रब्बा कंपनी हमने पर देखा 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 हम मैं वाले ऐसे वाले लोग रहते हैं हम एक्टिव वाले जो चल गया हमने सब मतलब Amanda. Good morning, everyone. चलो सो विल बी डूइंग अ पोएम टुडे. दिस इज अ वेरी डिफरेंट पोएम. ठीक है. सो अभी तक जितना भी पोएम्स हम लोगों ने किया है दोज आर ऑल बेसिकली लाइक मॉरल बेस्ड पोएम्स की हाउ यू शुड डील विथ योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हाउ यू शुड बी स्ट्रांग इनफ, करेजियस इनफ, और लाइक दे आर मोस्टली पेट्रियोटिक बेस्ड. ओके, लाइक हाउ how you love your country or how you should express your feelings towards your country or how responsible you are towards your country being a citizen of a country. वैसा वैसा poems हम लोगों ने किया है. So this poem is a little bit different from the regular poems which we did till today. Okay. So Amanda is written by the poet Robin Kleen. Okay, Robert Kleen. So, coming to the introduction of this poem, so in this poem, Robert Kleen has expressed the views of a little girl, okay, a little girl, jiska naam hai kya? Amanda, okay, what is this poem about? This poem is about Amanda. She's a little girl and Amanda is a person who is being constantly pointed out by her mother for making mistakes. ठीक है. उनकी मदर जो है अमांडा को शी पॉइंट्स आउट एट ईच ऑफ एवरीथिंग. ओके, कि ये तुम गलत कर रही हो, ये ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं उठते, ऐसे नहीं बैठते, यू डोंट डू दैट, गर्ल्स डोंट डू दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज अ पोएम इन विच रॉबर्ट क्लीन फोकसेस ऑन अ लिटिल गर्ल हु इज बीइंग कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर. ओके, मिस्टेक्स विच शी कंसिडर्स सो एज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, दे आर लाइक एज लेड बाई द सोसाइटी. मतलब ये सुने होंगे घर पे कभी, ठीक है, कि जमाना क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, वॉट विल द सोसाइटी टेल. ओके, सो दिस पोम इज बेस्ड ऑन दैट थीम. ओके, कि लोग क्या बोलेंगे के चक्कर में हाउ डू पीपल फेस प्रॉब्लम्स. क्लियर? ओके, कल के जैसे पहले समरी लिख लें, इट्स अ स्मॉल समरी, तो समरी लिख लो क्योंकि बाद में तुम लोग को नोट्स के लिए काम आएगा. ओके, पहले समरी लिख लो. लिखो यस मैम. ओके, द पोम डिस्क्राइब्स अ गर्ल named Amanda
and her mother who is nagging her for her mistakes. Okay, she is first pointed out most probably by her mother for biting her nails and for not sitting in the right posture. यहाँ तक क्या समझ आया? Okay, the poet describes a girl named Amanda and her mother who is nagging her for her mistakes. Nagging her बोलने से बार बार वही चीज को point out करना, बोलना. Okay, she is first pointed out most probably by her mother. किसके लिए? नेल्स बाइट करने के लिए, अच्छे पोस्चर में नहीं बैठने के लिए, मतलब ढंग से बैठो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, वैसा वाला सीन. क्लियर? नेक्स्ट. क्लास 10 क्लियर टिल हियर? हाँ कि नहीं? ना वही तो, सब लोग अटेंडेंस में बिजी हैं. अटेंडेंस ले लेंगे तुम लोग, एक बार नाम भेज दो बस खत्म, दो सेकंड लगता है. बार बार वही करोगे तो कैसे होगा? क्लास होल्ड, क्लास अच्छी है. ओके, नेक्स्ट लिखो. द मदर ऑल्सो फील्स दैट अमांडा इन अ द मदर ऑल्सो फील्स दैट Amanda sits in a very lazy manner. तो मदर को क्या लगता है कि अमांडा बहुत एक लेजी मैनर में बैठती है. ठीक है, टू दिस अमांडा इमेजिन्स herself as a mermaid who lives a calm and relaxing life in the beautiful green sea. ठीक है, तो इसके लिए इमेजिन, तो उनकी मम्मी जो कॉन्स्टेंटली शी यूज्ड टू पॉइंट आउट, नैग हर ऑलवेज. ओके, टू दिस अमांडा इमेजिन्ड हरसेल्फ. हाउ डिड अमांडा इमेजिन हरसेल्फ? एज अ मर्मेड. ओके, मर्मेड एकदम काम, ओके, रिलैक्स्ड, इन हैविंग अ वेरी, एटलीस्ट इवन इफ शी कांट हैव अ रिलैक्स्ड लाइफ, शी इमेजिन टू हैव वन. ओके, एंड शी हैड अ काम, शी इमेजिन टू हैव अ काम एंड रिलैक्सिंग लाइफ इन द ब्यूटिफुल ग्रीन सी. ओके, दैट्स वेयर मर्मेड्स लिव. ओके, नेक्स्ट लिखो. फर्दर शी इज नैग्ड फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम. ओके, एंड शूज, शूज एंड ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क. थोड़ा पानी देना. ठीक है,
ठीक है. तो अभी तक क्या क्या देखा हम लोगों ने. फॉर वॉट डिड शी हर मदर नैग हर फर्स्ट फॉर बाइटिंग हर नेल्स फॉर नॉट सिटिंग इन द करेक्ट पोजिशन ओके फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम एंड शूज एंड ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क. ठीक है लिखो. नीचे है क्या होमवर्क करके आना. देख नीचे बुक ढूंढ के जा. क्लियर. पॉज करके लिख लो. ठीक है. For not doing her homework, ठीक है. उसके बाद right. उसके बाद see keep series of mind. इसमें याद करने के लिए बहुत कुछ है. उसके बाद Amanda she what does in the first what does she imagine herself as? क्या imagine करती है खुद को. मरमेड. पहले मरमेड के जैसा इमेजिन करती है. ठीक है. व्हाट डज शी इमेजिन हरसेल्फ एज. मरमेड. वेरी गुड. ओके. प्रेजेंस ऑफ माइंड. सी आई वांट दिस इज नॉट यू आर नॉट राइटिंग आई एम टेलिंग यू द समरी. लिख 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 के पढ़ पढ़ के लिखो. ठीक है. नेक्स्ट. शी इमेजिन्स हरसेल्फ. शी देन इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन. ऑर्फन मतलब अनाथ. ओके. टू बी एन ऑर्फन बिकॉज शी इज नाउ फेड अप ऑफ बींग कंटिन्यूसली बींग वॉच्ड बाय हर पेरेंट्स कंटिन्यूसली. शी इज नाउ फेड अप ऑफ बींग watched by her parents continuously. ठीक है. Now she imagines herself to be an orphan. एक अनाथ के जैसे वो खुद को इमेजिन कर रही है. बिकॉज नाउ शी इज फेड अप कि पूरे दिन उसके मम्मी पापा उसके लाइक पूरे दिन उसको देखते रहते हैं. पूरे दिन कच कच होते रहते हैं. ये करते हैं ये वो करते हैं. ये एडवाइस ऐसे मत करो वैसे मत करो बोल बोल के वो परेशान होकर खुद को ऑर्फन इमेजिन करने लगे. क्लियर. शी सेज दैट she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet on the sand and would live a peaceful life. ठीक है. उसके बाद क्या बोलती है अमांडा कि वो बेयर फीट मतलब खाली पैर बीच के पास सैंड में अपना बेयर फुट फुटप्रिंट्स डाल के भी वो खुश रह सकती है. शी इमेजिन्ड हरसेल्फ एज दैट. उसके बाद ओके. क्लियर. लिखो. उसके बाद अमांडा को क्यों गाली पड़ा. नेक्स्ट.
Amanda is scolded for eating too many chocolates as this causes pimples. Amanda ko kyun gaali pada? Is scolded for eating too many chocolates as these caused kya? Pimples. पिंपल्स हो जाएंगे इसीलिए उसको टू मेनी चॉकलेट्स खाने से रोका गया. ठीक है. वाई शी अगेन बींग स्कोल्डेड? शी इज ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर. हर बात पे गाली. ठीक है. क्लियर? राइट. लिखो. शी इज नाउ स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर. बुझा पड़ते ना. नेक्स्ट. अभी इंटरेस्टिंग है. देखो. नाउ अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज रैपंजल. रैपंजल मालूम है ना? मत बोलो. ये लड़का हो के रैपंजल नहीं मालूम मत बोलो. तुम सिर्फ स्पाइडरमैन सुपरमैन मालूम है क्या? सिंड्रेला मालूम है? नहीं, वो भी नहीं मालूम. सिंड्रेला नहीं मालूम? हाँ, एक 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 रैपंजल वो है जिसका लंबा बाल होता है ना. नहीं, रैपंजल का लंबा बाल होता है. ठीक है. बारबी जैसी है. ठीक है. बहुत सुंदर है. देखना उसको कभी. सिर्फ सुपरमैन स्पाइडरमैन बैटमैन नहीं. निकलो मार्वल और डीसी से बाहर. थोड़ा सा अलग भी दुनिया है इधर. नहीं देखते? ठीक. नहीं देखोगे कभी? क्यों? वो सब लड़की का चीज़ है. ठीक है. नेक्स्ट. राइट. मैम मार्वल इज बेस्ट. अभी डीसी मार्वल झगड़ा मत करो इधर. सो नाउ अमांडा इमेजिन्स herself of being Rapunzel. ठीक है. Who is Rapunzel? A character from fairy tale. लिखो. A character from fairy tale. ठीक है. रैपंजल इज अ फेरी टेल. जो अगर देखे हो, मैं फोटो भेजूंगी. ठीक है, ग्रुप में. ठीक है. उसका एक बहुत बड़ा सा टावर रहता है. ठीक है. वो ऊपर रहती है. ठीक है. वो जब नीचे आती है, वो अपने बालों से नीचे आती है. ठीक है. उसका इतना लंबा बाल है कि वो अपने बाल को ना बाहर ऐसे टावर के बाहर गिराती है और वो बालों को पकड़ के नीचे आती है. ठीक है. बहुत लंबा टावर है उसका. तो नाउ अमांडा इमेजिन हरसेल्फ ऑफ बीइंग रैपंजल अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फेरी टेल. ठीक है. एंड वॉन्ट्स टू लिव इन अ ह्यूज टावर. ठीक है. आई वॉच दैट मूवी ऑफ डिज्नी. वेरी गुड प्रीतेश. देखो प्रीतेश मूवी देखा है. मूवी मार्वल डीसी लड़ने लगे इधर. ठीक है. एंड वॉन्ट्स टू लिव इन अ ह्यूज टावर लाइक हर. लिखो. In the tower, she wants to live alone and will not allow anyone else to come there. Not allow anyone else to
come there. Okay, क्लियर. वो सोचती है कि वो रैपन्ज़ेल के जैसे एक बहुत बड़े टावर में रहेगी, बट शी वॉन्ट्स टू स्टे देयर अलोन एंड शी डज नॉट वॉन्ट एनी वन एल्स टू कम देयर. क्लियर. क्लियर. चलो नेक्स्ट लिखो. जो नहीं लिखा है पॉज करके लिखना बाद में, ठीक है. कहाँ तक लिखा? कम देर. ओके, फाइनली क्या होता है? फाइनली द मदर आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग मूडी because she does not want anyone to blame her for harassing her daughter. ठीक है, क्या समझ आया? उनकी मम्मी क्या बोलती है? तुम ना ऐसे शक्ल बना के मत बैठो. स्टॉप बीइंग मूडी एंड ग्रंपी द होल डे, अदरवाइज पीपल विल ब्लेम मी फॉर योर बैड मूड. बुझा पड़ा? क्लियर. नेक्स्ट. एट दिस टाइम, इस टाइम पे द पोएट डिड नॉट राइट एनी रिएक्शन ऑफ अमांडा. पोएम में पोएट ने अमांडा का रिएक्शन स्टेटमेंट के लिए क्या था, उसने नहीं लिखा. ठीक है, द पोएट डिड नॉट राइट एनी रिएक्शन ऑफ एन अमांडा. उसके बाद देखो कंक्लूजन. देखो she used to get constantly nagged by her mother that she stopped imagining being someone else. पहले वो जैसे पहले कैसे imagine करती थी, खुद को orphan imagine करती थी. उसके बाद एक mermaid, पहले mermaid imagine करती थी, खुद को orphan imagine की. फिर उसको खुद के बाद क्या बोलते हैं, beach के पास bare footprints के साथ चलने के लिए imagine करती थी, because she wanted to live a peaceful life. Then she imagined herself as Rapunzel. She wanted to live in a tower, जहाँ वो अकेले रहना चाहती थी, किसी को enter नहीं करना चाहती थी. बट इतना कॉन्स्टेंट नैगिंग के बाद शी स्टॉप्ड इमेजिंग हर सेल्फ एज बींग समवन एल्स. ओके, सो द कॉन्स्टेंट जल्दी लिख दो थोड़ा सा. The constant nagging, okay, has made her to stop being moody because she The constant nagging has made her to stop imagine herself as someone else. ठीक है, she stopped imagining herself as someone else. Okay.
she used to do in order to escape from the continuous harassment. She used to do this in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents. अमेंडा क्यों अपने आप को कुछ और इमेजिन करती थी? बिकॉज शी वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द कंटिन्यूस हैरेसमेंट एंड डोमिनेंस ऑफ हर पेरेंट्स. ठीक है, उनके पेरेंट्स जो कंटिन्यूसली दे यूज टू नैग हर, डोमिनेट हर फॉर ईच एंड एवरीथिंग, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, व्हाट विल पीपल से, यू शुडंट सिट लाइक दिस, यू शुडंट बाइट योर नेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर बात पे खिच खिच. सो शी वॉन्टेड इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द डोमिनेंस एंड हैरेसमेंट ऑफ अ पेरेंट्स, शी यूज टू इमेजिन हरसेल्फ एज समवन एल्स. ठीक है, समरी क्लियर? ठीक है, नो डाउट्स. अभी क्विकली लेट्स मूव इन टू द चैप्टर. ओके, रहने दो इसको. First paragraph. See, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that. Slouching and sit up straight, Amanda. Okay. Hunch. Underline hunch. Matlab bend. ठीक है. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders. मतलब shoulders को bend मत करो, सीधा बैठो. ठीक है. Hunch मतलब bend. Okay. Stop that slouching and sit up straight. Slouching मतलब लेजी वे, हम लोग इसे बैठ जाते हैं ना, थोड़ा सा लेजी होके ढीले पड़ जाते हैं. सिटिंग इन अ लेजी वे, स्लाउचिंग मतलब. ठीक है, स्लाउचिंग राइट इट डाउन. सिटिंग इन अ लेजी वे लिख लो, बाद में काम आएगा. सिटिंग इन अ लेजी वे. ओके, एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. ठीक है, सीधा बैठो, बाइट अपना नेल्स बाइट मत करो, सीधा बैठो, लेजीली मत बैठो. फिर बोलती है देर इज अ एक बार दिखाओ, उसके बाद और कुछ है क्या? ओके, देर इज अ लैंक्विड एमरल्ड सी, ले लो लो, वेर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टली ब्लिसफुली. मैंने बोला था फर्स्ट अमेंडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी वॉट, अ मरमेड. So here she is imagining herself of to be a mermaid. Emerald मतलब green color, emerald color. ठीक है, वो जो mermaids जहाँ पे रहते हैं वो green color, emerald मतलब green color. Write it down. Emerald sea मतलब green sea, emerald मतलब green color. Inhabitant मतलब she imagines herself to be a resident. Inhabitant मतलब वहाँ पे रहना. She imagines herself to be a part of the sea. Okay. Drifting blissfully मतलब ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली. राइट इट डाउन. ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली. ब्लिस इट्स अ वंडरफुल ब्लिस बोलते हैं ना, हैप्पीली. ठीक है, ड्रिफ्टिंग मतलब वहां पे ऐसे 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 नॉर्मली मूव करना. ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलती है? हर फर्स्ट पैराग्राफ में हर मॉम इज कॉन्स्टेंटली नैगिंग हर, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट सिट स्ट्रेट. ठीक है, लाउजी मैनर में मत बैठो. लाउजी मतलब थोड़ा लेजी मैनर में मत बैठो, सीधा बैठो. उसके बाद अमेंडा खुद को क्या इमेजिन करती है? टू बी अ रेसिडेंट ऑफ अ एमरल्ड सी, ग्रीन सी, जहाँ पे शी इज ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली. क्लियर? इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा. फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर? ठीक है, कितना बड़ा चैप्टर है? इतना ही है और है थोड़ा सा. यस, नेक्स्ट. लिखो लिटरेरी डिवाइसेस, लिखो फर्स्ट पैराग्राफ लिटरेरी डिवाइसेस. आओ 36 से जाओ, 9 मिनट 10 मिनट. फर्स्ट स्टैंजा लिटरेरी डिवाइसेस लिखो.
एनाफोरा, ठीक है. एनाफोरा क्या है? रिपीटेटिंग यूज ऑफ अ वर्ड, ठीक है. क्या है? डोंट बाइट, डोंट हंच, रिपीट हुआ है, देखो. एनाफोरा, डोंट बाइट, डोंट हंच, रिपीट हुआ है. सो फर्स्ट आंसर में क्या है? एनाफोरा है. ओके, नेक्स्ट इज एसोनेंस. एसोनेंस मतलब यूज ऑफ द वावल, रिपीटेशन ऑफ ओ, कोई वावल साउंड. देखो, डोंट हंच योर शोल्डर्स, डोंट योर शोल्डर्स में ओ का वर्ड रिपीट हुआ है, वावल्स, तो एसोनेंस है फर्स्ट स्टैंजा में. राइमिंग स्कीम देखो. A A B A C C C, लिखो ये. A A B A C C C. राइमिंग सिम कोई थी ना, सेटा मन रखे पड़ो, एबे भाई मन रखो, सेटा बहुत बड़ बहुत डीप बुझीबनि, एबे कहिबे सेटा परे कहिबे आराम से, गोटे क्लास ने भी अलग रे कहिबे. तापरे मेटाफर, मेटाफर कौन अच्छे, देखो देखो, यूज ऑफ द वर्ड एमरल्ड सी. एमरल्ड सी माने, एमरल्ड माने ग्रीन कलर ना, तो यूज ऑफ द वर्ड एमरल्ड सी फॉर ग्रीन कलर बीइंग सिमिलर टू करेड. देखो, एमरल्ड, एमरल्ड माने गोटे स्टोन था ग्रीन कलर स्टोन, सेटा को सी सहित कंपेयर कर, मेटाफर, ठीक अच्छे. नेक्स्ट रिपीटेशन, अगेन रिपीटेशन. अमांडा वर्ड कितने थर रिपीट है देखो, हैला सेति पे रिपीटेशन. तापरे एलिट्रेशन, एलिट्रेशन माने कौन? कंसोनेंट साउंड्स रिपीट है बेटा, ठीक है. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, एस 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 रिपीट है देखो, लेटर टा. स्टॉप, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट, एस 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 रिपीट है जी, एलिट्रेशन, ठीक अच्छे. फर्स्ट पैराग्राफ हेला, तो आज विल स्टॉप हियर, ठीक है, हेला विल स्टॉप हियर. राइट डाउन द समरी, रीड इट अगेन. फर्स्ट स्टैंजा का लिटरेरी डिवाइसेस लिखो, कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. ओके, एनी डाउट्स क्लास 10 टिल हियर, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम लोग का जिस तरीके से चल रहा है. चलो, इतना करके होमवर्क भेजना, ठीक है. चलो, थैंक यू, बाय बाय.